खबर मकराना से है, जहां पर महिला के साथ मारपीट के प्रकरण में नागौर पुलिस की त्वरित कार्रवाई में 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपियों को कस्बा मकराना से गिरफ्तार किया गया। वारदात में शामिल एक अन्य अवैध बाल अपचारी के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई प्रस्तावित है। आरोपियों द्वारा 10 तारीख को कस्बा मकराना में एक महिला को बच्चा चोर समझकर मारपीट की गई, जबकि बच्चा भी उसी महिला का था। इस मामले में मकराना पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। वृत्त कार्यालय मकराना तथा थाना मकराना पुलिस टीम की यह कार्रवाई रही। इससे पूर्व मकराना में पुलिस द्वारा इस मामले में लापरवाही बरतने के विरोध में मकराना क्षेत्र के जूसरी सरपंच प्रकाश भाकर के नेतृत्व में जोरदार यहां पर धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसके बाद नागौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अपने शिकंजे में लिया। जानकारी के अनुसार राममूर्ति जोशी पुलिस अधीक्षक नागौर के निर्देशानुसार गणेशराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचाम सिटी के सुपरविजन में रविराज सिंह वरताधिकारी मकराना तथा प्रमोद कुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी मकराना के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मकराना के चार अपराधियों को यहां गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद यूसुफ पुत्र खलील अहमद, वसीम अकरम पुत्र अब्दुल रशीद सभी जाति मुसलमान, अमीन पुत्र सलीम जाति चौधरी मुसलमान, साथ ही नूर हसन पुत्र हाजी मजर अली जाति गैसाउद शामिल है। दूसरी सरपंच ने यहां के स्थानीय नेताओं व पुलिस प्रशासन पर भी आरोपियों को बचाने के लिए मिलीभगत का आरोप लगाया। नागौर पुलिस ने दूसरी सरपंच के लगातार या आक्रोश व धरना प्रदर्शन को देखते हुए चारों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। देखिए मकराना शहर के लिए जनता सड़कों पे है आज। इसमें पूरा पूरे मकराना शहर आज है। मकराना के अंदर बार बार हम लोग देख रहे हैं, रात को 10-10, 11-11 बजे तक यहाँ पे मार्केट खुले रखने के, और यहाँ का प्रशासन सोया हुआ बुरी तरह। कानून नियम नाम की कोई चीज नहीं है, और रात को यहाँ पे हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें लेके जो तुच्छ प्रवृत्ति के लोग है, वो रात को तेज गति से पूरे मोहल्लों के अंदर, पूरे मकराना शहर के अंदर मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। कोई भी महिलाएं रात को रेलवे स्टेशन से दूर दराज गाँव से आती है, शहर से आती है, गलियों से आती है, ट्रेन में बैठ के अपने कोई टूर से आती है, अपने घर के लिए निकलती है। तो ये 20-20, 50-50 के झुंड में ये लोग बैठ के अपनी महिलाओं बहन बेटियों के ऊपर अंडे फेंकते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, गलत उनको बोलते हैं। और दिन में तो ये हालत होती है कि शहर के अंदर से अगर कोई भी, अगर गांव डाणी में रहने वाला अलग विशेष समाज को छोड़ के अगर दूसरा कोई भी समाज का लोग है, अगर उसकी मोटरसाइकिल भी अगर किसी के अड़ जाती है छोटी सी बाड़ पर, तो उसकी बाजार में ये लोग बुरी तरह पिटाई करते हैं। और इनकी अगर मोटरसाइकिल किसी के अड़ जाती है तो भी, गलती इनकी है तो भी अपने वाले लोगों को पीटते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे सरकार इनकी है, और सबसे बड़ी तो गनीमत में ये समझ रहा हूँ कि उस समय मकराना शहर का पूरी तहसील का हिंदू समाज उस समय जग गया और उसने सही निर्णय ले लिया। नहीं तो अगर उस समय इनका पूरी की पूरी सत्ता इनके हाथ में आ जाती ना, तो अपना ये कत्लेआम करते इस चीज का बंदो, और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जब तक आप खुलकर नहीं बोलोगे, जब तक इनका कोई इनको एहसास कराने वाला नहीं है। प्रशासन एक नेता के दबाव में मकराना में काम कर रहा है। कोई भी गरीब आदमी यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आता है तो उसके थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है, एक परिवार ले लेते हैं और कहते हैं हम ये कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं, लेकिन आते ही पहले रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। कानून ये कहता है कोई भी गरीब SC ST का भाइयों को उनकी जरूरत होती है, वोटों का टाइम होता है उस समय, तो कहते हैं ST ST के भाई हमारे भाई है, हम इनके साथ है, उनको साफा पहनाएंगे, उनके साथ में खाना खाएंगे। लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो वो लोग हत्या क्यों नहीं है। यहाँ पे 3 दिन से पता है कि एक लड़की के साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत हुई है मकराना में, उसके बावजूद वो लोग क्यों नहीं आए थाने में, क्यों नहीं आए इसके परिवार से मिलने के लिए, क्यों नहीं आए इस धरना प्रदर्शन में। ये किसी एक आदमी का धरना नहीं है, ये एक गरीब महिला के लिए धरना दिया गया है, जिसके सम्मान में सबको आना चाहिए। लेकिन जिनकी नीयत खराब है, जिनके रिश्तेदार इसमें मुलजिम है, वो यहाँ पे नहीं आए। और उनको सबको, जो भी लोग इस वीडियो के अंदर 5-10-20 लोग थे, उनको पुलिस प्रशासन चिन्हित करके उनकी फोटो वगैरह